शहबाज जरदारी, मौलाना और मकबूल सरकार ने मुल्क को तबाही के अंधे गड़े में धकेल दिया। महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने आवाम को बाहर निकलने की कॉल दे दी। कल रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज होगा। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में लोग घरों से निकलेंगे। मरकजी मकामात पर बनी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। खिताब में इमरान खान महंगाई और मुल्क की मुआशी तबाही के खिलाफ लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। असद कैसर, हम्माद अज़हर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने भी आवाम से घरों से निकलने की अपील कर दी। सवाल, महंगाई की बदतरीन लहर, कारोबार की तबाही, रुपए की गिरती कद्र, शहबाज जरदारी, मौलाना और मकबूल सरकार का दौर, अवाम को खून के आंसू रुला गया। मुल्क की मुआशी तबाही, महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने अवाम को बाहर निकलने की कॉल दे दी। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा, कल रात 9 बजे अवाम अपने शहरों में मरकजी मकामात पर जमा हो जाए। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही है कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे, पुरमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलो और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सब से बात करूं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। हम्माद अज़हर ने ट्वीट में कहा, अवाम लिबर्टी चौक लाहौर पर कल जमा हो जाए। अली जैदी ने ट्वीट में बताया कि कराची में शाहरा कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी पर कल एहतजाज होगा। असद उमर ने कहा, कल हम महंगाई खत्म करने के लिए अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। असद कैसर ने भी कहा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।